हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इससे पहले तो मैंने इस रेगुलेटर के बारे में बताया था जो कि 1000 वाट का है। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी कमेंट्स आए थे कि ये रेगुलेटर ख़राब हो गया है और ये काम नहीं करता है, स्पीड सही नहीं चलाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं दोबारा बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये देख सकते हैं आप, ये मेरा कूलर कितना पुराना है और ये रेगुलेटर कितने साल पुराना है। मैं आप मेरे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें समय लिखा होगा कितना पुराना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। देखिए, वो रेगुलेटर जब मैंने वीडियो बनाया था, ये वही रेगुलेटर है और जो आज तक चल रहा है। तो आप देखिए, मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। देखिए, यहाँ पर ये पूरा स्टार्ट हो गया, तो स्लो किया है। जैसे जैसे मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊँगा, आप देखना, वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितने बेहतरीन तरीके से काम करती। चलिए मैं इसे फुल करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, फुल हो गया। तो देखिए दोस्तों, इसकी आवाज़ आ रही है। चलिए इसे कम कर देता हूँ, आप देखिए कम भी हो जाता है। और काफ़ी लोग शिकायत करते हैं दोस्तों कि कम होने पर ये आवाज़ करता है, लेकिन देखिए दोस्तों, ये कम होगी इसकी स्पीड, आवाज़ बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये देखो, इसकी स्पीड कम है। और दोस्तों, ये धूप में, पानी में, ऊपर छत पे ही रहता है, आपको दिखा देता हूँ, छत पे ही डला रहता है। कल बारिश हुई थी, ये देखिए आप देख सकते हैं, पानी भरा हुआ है इधर, हमारे छत पे पानी भरता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये रेगुलेटर तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि ये कहाँ से ख़रीदें, क्या करें। तो दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूँगा, आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। तो आपको 1000 वाट का लेना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। और दोस्तों, इसे लिए हुए मुझे 2 साल उससे ज़्यादा हो गए हैं, ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। और आप मोटर भी देख सकते हैं, हैवी मोटर लगी हुई है इसमें, ये देखिए। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएँ। थैंक यू, धन्यवाद।